ये इतने सारे वड़े आपको देखकर लग रहा है कि ये सिर्फ एक चम्मच ऑयल में बने हैं? ये देखिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि चल रही है, हम रोज नई से नई चीजें बना रहे हैं फास्टिंग की। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और यूनिक रेसिपी जिसका नाम है फलाहारी वड़ा। फलाहारी वड़ा हम बनाएंगे आज बिल्कुल एक चम्मच ऑयल में और मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बोल। बोल में मैं डालूंगी समा के चावल। मैंने आधा कप समा के चावल, जिसको फास्ट में खाया जाता है और इसको सैमोराइस भी बोलते हैं, सामक भी बोलते हैं, इसके बहुत से नाम होते हैं, ये व्रत में खाए जाते हैं, इसको मैंने लगभग 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आधा कप चावल में मैंने 2.5 कप पानी डाल करके कुकर में 3 सीटी लेकर उबाल लिया। तो ये इस तरीके से उबले हुए समा के चावल तैयार हो गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 उबले हुए मीडियम साइज के आलू, जिन्हें मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुनी हुई मूंगफली, ये रोस्टेड पीनट है, हल्का सा तवे पर भून करके मैंने इसको इस तरह से क्रश कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इस बड़े में, लेकिन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप एक बार इसे लेकिन डालकर देखिए। सेंधा नमक, जो व्रत में खाया जाता है। कोई भी चीज ऐसी जो आप नहीं फास्ट में खाते, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच राजगीरा आटा। राजगीरा आटा हम उपवास में खाते हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको लगे बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो आप इसमें 2 चम्मच राजगीरा आटा या फिर सिंघाड़े का आटा या कूटू का आटा वो भी डाल सकते हैं, या आपके पास साबूदाने का आटा है यानी साबूदाना पिसा हुआ है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक नींबू के साइज की बॉल तोड़ेंगे इस तरीके से और इसको बड़े की शेप देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो इसे बड़े की शेप दे दें या पैटीज की शेप दे दें या फ्रिटर्स की। इस तरीके से हम गोल तैयार कर लेंगे बड़े को, और अब आप चाहे तो ऐसे ही बना लीजिए या फिर आप इसको बड़े की शेप दे सकते हैं, उंगली से बीच में एक होल कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। और सारे बड़े को हम इसी तरह तैयार करेंगे, इस तरह प्रेस करेंगे, फिंगर की मदद से बीच में होल कर देंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों प्रकार से फलाहारी वड़ा तैयार कर लिया है, वड़े की फॉर्म में भी और गोल भी। तो ये वड़ा मैं बनाने वाली हूँ एयर फ्रायर में। आप सभी लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं एयर फ्रायर रेसिपी शेयर करूँ, तो अभी नवरात्रि है, बहुत सारी चीजें हमें फ्राई करके खानी पड़ती है। तो मैंने अभी टाटा क्लिक से लिया है ये रसल हॉब्स का एयर फ्रायर, जिसका फंक्शन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और इसी एयर फ्रायर में मैं आपको 1 चम्मच ऑयल में वड़ा बनाकर दिखाऊंगी। ये तो होगा पहला तरीका, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि आप बगैर एयर फ्रायर के भी कम तेल में कैसे बना सकते हैं। और इसका लिंक ऑनलाइन परचेज करने का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो एयर फ्रायर को फलाहारी वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा प्रीहीट। प्रीहीट के लिए यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन है, ये यहाँ पर है टाइमर और ये है हीटिंग सिस्टम कि आपको कितना हीट रखना है, 80 पर, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो हमें बड़ा बनाने के लिए इसको सेट करना होगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और टाइमर हम लगाएंगे 5 मिनट का। तो ये मैंने कर दिया है ऑन। तो जब तक हमारा एयर फ्रायर प्री हीट हो रहा है, हम ले लेते हैं 1 बड़े चम्मच ऑयल और 1 चम्मच ऑयल को इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा या तो स्पून से या इस तरीके के सिलिकॉन ब्रश से हल्का हल्का सा ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। अब हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे जहाँ पर हमें जरूरत लगेगी। तो मैंने हल्का हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर दिया है, एयर फ्रायर भी प्रीहीट हो गया है। तो अब हम एयर फ्रायर का नीचे का बास्केट को इस तरह से निकालेंगे, ये काफी गर्म है तो हमें सावधानी से काम करना होगा। अब हम जो वड़ा हमने तैयार किए थे इस तरीके से एक एक पीस इस बास्केट में लगा देंगे, और इस तरीके से मैंने सभी वड़े इसमें लगा दिए हैं बास्केट में। बस अब हमें कुछ नहीं करना होगा, बास्केट को वापस से एयर में लगाएंगे, बस फिट हो गई है। अब हम वापस टेम्परेचर को करेंगे 180 डिग्री पर, 9 मिनट्स के लिए सेट करेंगे। 9 मिनट्स लगाने के बाद इस तरह से हम इसको अभी वेट करेंगे, ये खुद से ऑटोमेटिकली 9 मिनट्स कम्प्लीट होने पर ऑफ हो जाएगा। तो 9 मिनट्स हो गए हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। अब एक बार इसको निकाल करके बड़े को चेक करते हैं और ये देखिए बड़ा हमारे हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं। एक बार बहुत ही लाइटली हम ऑयल का ब्रश ऊपर ऊपर लगा देंगे जिससे बड़ा अच्छे से ऊपर से गोल्डन हो जाए।
वापस से इसको हम बंद करेंगे। अब हम 160 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देंगे यहाँ पर टेम्परेचर को और टाइम लगा देंगे 5 से 6 मिनट का। घोड़ा को एक बार और सीखने देंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, देख सकते हैं आप कि बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। अब हम एक बार बड़े को पलट देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान होता है एयर फ्रायर में इस तरीके की रेसिपीज बनाना, जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल लग जाता है फ्राइंग में। बस इसको हम टर्न कर देंगे इस तरीके से। अब इस साइड से भी लगभग 6 मिनट के लिए 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एक बार और हम सेक लेंगे पलट करके। तो ये मैंने लगा दिया है 6 मिनट के लिए 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो एक बार निकाल कर चेक कर लेते हैं। वाओ, एकदम गोल्डन हो गए हैं। आप अपने अनुसार कम या ज्यादा गोल्डन कर सकते हैं। थोड़ी देर और ज्यादा करेंगे तो ये और क्रिस्पी हो जाएंगे। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, डीप फ्राइंग का बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव मेथड है। हर तरीके की चीज, चाहे बनाने हो पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, वेजेस, किसी भी तरीके के नगेट्स, वेजिटेबल्स कोई भी कुक करनी हो आपको, या इवन आपको केक बनानी हो, यानी केक भी इसमें बेक हो जाती है। इवन आप अपनी बिस्किट और कुकीज भी इसमें बना सकते हैं। दूसरा तरीका बहुत ही आसान, आप लीजिए अप्पे पैन, उसको करेंगे गरम और बहुत ही कम ऑयल से इसके मोल्ड्स को कर लेंगे इस तरीके से ग्रीस। और अब हम एक एक बड़ा बॉल को इस तरीके से रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर घुमा घुमा करके सब तरफ से गोल्डन इसको सेक लेंगे। बहुत ही हल्का सा ऑयल का ब्रश ऊपर भी लगा देते हैं और लगभग 1 मिनट बाद इस तरीके से सभी बड़ा को आप घुमा दें। और देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी करारा कलर आया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इनमें गोल्डन कलर आ गया है। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे बड़ा सिके हैं अपम पैन में, वो भी कितने कम ऑयल में। तो गैस को ऑफ करते हैं और बड़ा को प्लेट पर निकालते हैं। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है बेहद टेस्टी फलाहारी बड़ा। ये देखिए इतने करारे और क्रिस्पी कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये स्पेशल खस्ता और कुरकुरे बने हैं, और वो भी मात्र 1 चम्मच ऑयल में। बस फ्रेंड्स, अब व्रत में आपको सोचने की जरूरत नहीं कि क्या ऐसा बनाएं जो स्वादिष्ट भी हो और डीप फ्राई ना करना पड़े। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।